प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 6 में जो है पूर्वाभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वाभ्यास यानी पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई जो बातें हैं उन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होती है? देखिएगा, ये प्राचीन पद्धति है गणित में जो पढ़ी जाती थी, और इसी को लिखने और पढ़ने के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देने की बात है, ये जो है एक टेबल हमने बनाया है, इसमें ये रोमन संकेत अंक है। इनका मतलब एक होता है, ये आपका हिंदू अर्घिक अंक है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 10 होता है, और इनका मतलब 50, और इनका मतलब होता है 100, और इनका मतलब आपका होता है 1000। बात आती है कि क्या हम x को 10 बार लिखेंगे? नहीं, हम जो है i को कितनी बार लिख सकते हैं, यानी ये अंक कितनी बार हम प्रयोग में ले सकते हैं, इन्हीं को हम यहां पर लिखेंगे। यानी इससे ज्यादा बार हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। जैसे i का हमें प्रयोग करना हो तो i का हम जो है केवल 3 बार प्रयोग करेंगे, v का केवल 1 बार प्रयोग कर सकते हैं, और x का हम केवल 3 बार प्रयोग करेंगे, यल का 1 बार प्रयोग करते हैं, और सी का 3 बार, और यम का भी हम 3 बार प्रयोग करते हैं। आई का 3 बार प्रयोग करने का मतलब, जैसे मान लिया जाए कि आई का 1 बार प्रयोग हो गया तो इसका मतलब हो गया 1, आई का 2 बार हमने प्रयोग कर दिया इसका मतलब हो गया 2, और आई का यदि हम 3 बार प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा आपका क्या 3। लेकिन 4 यदि लिखना हो तो हम क्या i को 4 बार लिख सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्योंकि यह प्रतिबंध है कि i का हम केवल 3 बार ही प्रयोग कर सकते हैं, चौथी बार इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम 4 कैसे लिखेंगे इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा 5 है, 5 को हम भी से प्रदर्शित तो कर रहे हैं, तो अगर हम जो भी लिख दिए तो ये हमारा बड़ा अंक है, और इसके पहले यदि कोई छोटा अंक लिख देते हैं तो बड़े अंक से छोटे अंक को घटा देते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या जाएगा 4। अर्थात हम जो है 4 इस प्रकार से लिखेंगे आई भी की तरह से। हाँ, बात आती है 5 लिखने की, तो ये हमारा 5 हो गया, क्योंकि भी के द्वारा हम 5 को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें जो है 6 लिखना होगा, ये तो हमारा 5 हो गया। अब अगर हमें 6 लिखना होगा तो 6 लिखने के लिए हम जो है दाहिनी ओर जब किसी छोटे अंक को लिखते हैं तो हम जो है 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। अर्थात 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर एक आई और बढ़ा देते हैं तो ये जो है 5 में 2 जोड़ देंगे, जैसे ये भी है और आपका क्या है डबल आई है, तो ये जो है 5 और धन क्या हो जाएगा 2, अर्थात ये क्या हो गया 7, ये आपका 7 हो गया। अब इसी तरह से भी के बाद जो है ट्रिपल आई अगर लिख दें तो ये 5 में 3 जुड़ जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 8। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा हो गया क्या 8। अब अगर बात आती है 9 लिखने की, क्योंकि हमने 10 लिख दिया है, 10 को लिख दिया x के द्वारा, x के द्वारा हम 10 को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम 10 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है 9, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है 9। 9 कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे। जैसे 9 लिखना है तो हमने बड़ा अंक 10 लिख दिया, अगर इसके पहले कोई छोटा अंक लिख देते हैं तो 9 में यानी 10 में से हम 1 को घटा देंगे तो ये क्या जाएगा 9। अर्थात इस प्रकार से हम 9 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे, यदि हमें 10 लिखना हो तो आसान है, थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि केवल हमें लिख देना है। जैसे हम x लिखते हैं इसका मतलब ये 10 हो गया, ये हमारा 10 लिखने का काम। अब अगर 11 लिखना हो तो इसकी बाईं तरफ 1 लिख दीजिए, यानी i लिख दीजिए, अगर 11 लिखना हो तो i हो गया 11। इसको पढ़ेंगे x के बाद अगर डबल i लिख दिए तो 12 पढ़ेंगे, क्योंकि हम i का 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अब अगर बात आती है 13 लिखने की, तो 3 बार हम प्रयोग करके आई को लिख दिए, और 14 लिखना हो तो ये नहीं कि हम जो आई को 4 बार लिख देंगे,
नहीं ऐसा नहीं करेंगे। आय लिखिए और चार लिखने के लिए हम अभी आपको बताए थे कि आय बी से हम चार को प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया चार। इस प्रकार से हम जो है एक से सौ तक गिनती का जो अध्ययन कर सकते हैं, गिनती को लिख सकते हैं। देखिएगा भी का केवल एक बार हम प्रयोग कर सकते हैं, एक्स का तीन बार प्रयोग कर सकते हैं, एल का एक बार, सी का तीन बार और यम का एक बार प्रयोग कर सकते हैं। आई का तीन बार प्रयोग करने का मतलब होता है कि आई में तीन से गुणा, यदि आई में तीन से गुणा करेंगे तो तीन आ जाएगा। आई से भी में यानी घी से पांच, भी का मतलब पांच होता है, एक से गुणा करेंगे तो पांच आएगा। एक्स का अगर तीन बार हम प्रयोग कर दे, एक्स 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 लिख दे, इसका मतलब दस दस दस, यानी दस धन दस हो गया, धन दस यानी ये हो गया क्या तीस, या कहें कि दस गुणे तीन यानी तीस हो जाएगा। तीन बार प्रयोग किया अर्थात दस गुणे तीन अर्थात क्या हो जाएगा तीस। उसी तरह यस का प्रयोग हम एक बार करेंगे तो यदि हम पचास में जो एक से गुणा करें तो क्या हो जाएगा पचास। अगर ये सी का मतलब सौ होता है, सौ का तीन से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा तीन सौ। और यम का मतलब होता है एक हजार, अर्थात एक हजार में यदि तीन से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या हो जाएगा तीन हजार लिख सकते हैं। हाँ एक बात और ध्यान से आप देखेंगे कि ये कुछ बातें हैं जिनको आप याद रखेंगे, अगर ये बातें याद नहीं रहेंगी तो आप रोमन अंकों को नहीं लिख सकते, कतई नहीं लिख सकते हैं। यही बातें आपको याद करनी है कि यह आई जो आपका है, आई को हम भी और यक्ष में से घटा सकते हैं, लेकिन आई को आप सोचें कि यम में से सी में से घटा दे या डी में से घटा दे या यम में से घटा दे तो इम्पॉसिबल, ये गलत होगा आपका। जैसे आई डी लिख दिए तो इसको हम कह सकते हैं कि पांच में से घट गया चार हो जाएगा। अगर आई एक्स लिख दिए तो हाँ ये दस में से घट जाएगा नौ हो जाएगा, लेकिन अगर आई यन लिखा हो तो ऐसा करता ही नहीं हो सकता है कि उनचास हो जाए, क्योंकि यन पचास है, एक घटाएंगे तो उनचास, अब कहेंगे कि ये उनचास है तो करता ही नहीं, ये उनचास नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि आई को केवल भी और एक्स में से घटाया जा सकता है, एल सी और डी और यम में से नहीं घटा सकते हैं। हाँ एक्स को कहां से घटा सकते हैं, एल और सी में से घटाया जा सकता है। एक्स को हम यल और सी में से घटा सकते हैं, लेकिन अब ये सोचे कि डी में से या यम में से घटा दें तो नहीं, हम डी और यम में से नहीं घटा सकते। डी और यम में से किसको घटा सकते भाई, सी को। सी को अगर हम जो है जैसे डी हमारा है और डी का मतलब होता है, डी का मतलब क्या होता है भाई, पांच सौ होता है, हमने लिखा नहीं है लेकिन यहां पर हम लिख देते हैं, डी का मतलब होता है 500, डी का मतलब होता है 500, ये डी है, डी का मतलब 500 होता है, तो 500 में से ये 100 घटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 500 माइनस 100 अर्थात ये हो गया क्या भाई 400, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि सी को हम डी और यम में से तो घटा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि भी एल डी और यम को किसी भी रोमन संख्या से हम घटा नहीं सकते हैं या किसी भी रोमन संख्या के पहले इनको नहीं लिख सकते हैं। अगर इनके यदि किसी रोमन संख्या के पहले इसको लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि कतई वह गलत होगा, वह निश्चित रूप से गलत होगा। जैसे हम कहते हैं कि भी एक्स है तो ये अंक गलत है, हाँ ये आपका गलत है, ये आपका क्या है गलत है, लेकिन एक्स भी लिखा हो तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये आपका क्या है सही है, इसका मतलब होता है इसका कोई मतलब ही नहीं, ये निरर्थक है। ये आपका होता है इसका मतलब होगा क्या 15 यानी 15 होता है, भी का मतलब ये बड़ा अंक है और ये क्या छोटा है तो इसको ऐड कर देंगे 10 में और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अर्थात 15 होगा। ध्यान से देखेंगे एक बात और आती इसमें है, बार करके है, जैसे हम किसी संख्या पर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, जैसे हम किसी संख्या पर बार लगा दें तो इसका मतलब होता है, जैसे हम ये बार की बात करें, ये पर पाई होती है इसको हम बार कहते हैं, बार लगाने पर रोमन संकेत का जो मान होता है वह 10 गुना हो जाता है। जैसे हमें यम का प्रयोग करें तो यम 3 को लिखते हैं तो ये 3000 हो जाता है,
ये जो हो जाएगा 3 × 1000 अर्थात ये क्या हो गया 3000 हो गया। लेकिन 4000 लिखना हो तो क्या करेंगे, 4000 ये नहीं कि हम 4 को यम लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यम का हम प्रयोग कितनी बार कर सकते भाई, 3 बार, 3 से अधिक बार हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम करेंगे क्या कि आई और भी का मतलब होता है चार, यानी 4 लिख देते हैं और इसी के ऊपर ये बार वाला जो चिन्ह है इस तरह से लगा देंगे तो अर्थात ये 4 × 1000 हो जाएगा, अर्थात इसको हम 4000 लिख सकते हैं। अब जो है रोमन अंक में तो पढ़ लिया इतना, रोमन अंक में इतनी बातें आप अगर याद रखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से रोमन के जो है अंक लिखने के लिए आ जाएगा। और शेष कार्य जो है आप करेंगे इसी पर जो आधारित कुछ प्रश्नों के हल आपको दिए जाएंगे, जिनको आप कल जो है हल करके जो है रखिएगा।